हेलो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इंडियन फोर्स ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो भी बच्चे अग्निवीर वायु इंटेक 2025 के लिए फॉर्म भरे थे, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यानी कि पेपर यहाँ पे 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक पेपर चलेगा। यानी कि जो परीक्षाएँ दिसंबर यानी कि अक्टूबर में होने वाली थी, तो वो परीक्षाएँ अब होने जा रही हैं। यानी कि एक महीना शेड्यूल आपको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, चलिए हम आपको लेके चलते हैं और अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो ये है ऑफिशियल एडमिट कार्ड, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है। जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको एक फ़ोटो चाहिए। जो आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड की है, वही फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो कि आपको एक साथ फ़ोटो लेके जाना, फिर आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है। और बायोमेट्रिक होने के बाद से आपके यहाँ पे कितने बजे पहुँचना है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ मेंशन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे हॉल टिकट नंबर, जो कि यही है आपका, वो कुछ रोल नंबर बोला जाता है लेकिन यहाँ पे हॉल टिकट नंबर बोला जाएगा। उसके बाद ये आपका नाम होगा, ये आपके माता फादर का नाम, ये आपके माता जी का नाम, और ये आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे किस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है। साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम का नाम यहाँ दिया गया है, रजत वुमेंस कॉलेज एजुकेशन मैनेजमेंट सेंटर, न्यू पंचवटी कॉलोनी, पंचवटी अशोक नगर, लखनऊ। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने बजे आपको पहुँचना है। 7:30 बजे आपको पहुँच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से पहले आप नहीं जा सकते हैं। 7:30 बजे के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। आपका शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम है। यहाँ पर कितने तारीख को एग्ज़ाम, आप ये भी देख सकते हैं, 17 तारीख को। यहाँ पे इसका लोकेशन भी दिया गया। यदि आप अपने लोकेशन को नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे गूगल मैप में आ जाएगा। और यहाँ पे कितने तारीख को एग्ज़ाम है, तो ये सभी आप हॉल टिकट के अंदर जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में जो स्टाफ होंगे वो यहाँ पे लैब नंबर भरेंगे, सीट नंबर भरेंगे, डेट नंबर भरेंगे, प्लेस स्थान भरेंगे, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर, जिसका एडमिट कार्ड है, जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसका एडमिट कार्ड, वो सिग्नेचर करिए। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर में रिलेटेड कुछ सेंटर जो कि उनके हिसाब से चलना है, यहाँ पे वो अपना सील लगाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर और बायोमेट्रिक कराएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर वही करेंगे जो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल होंगे। ये आपका एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या नहीं लेके जाना है, टोटली 3 पेज का एडमिट कार्ड है, लेकिन आपको मेन पेज ही लेके जाना है। यानी एक पेज आप कलर प्रिंट आउट निकलवाएंगे, जो कि 10-15 रुपये का निकलता है, आसानी से आप निकलवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफे से। यहाँ पे आपको क्या नहीं पहन के जाना, देखिए आपको कैप नहीं पहन के जाना है, वॉच घड़ी नहीं पहन के जाना है, बेल्ट नहीं लगा के जाना, मोबाइल लेके नहीं जाना है। और यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले आपको विदाउट एंड फॉर्मल ड्रेस में जाना है। उसके बाद से आपको एक पेन लेके जाना है, कागज़ कोई नहीं लेके जाना है, सादा फॉर्मल में जाएंगे। वहाँ पे आपको वहाँ पे हल करने के लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा, यानी कागज़ दिया जाएगा, उसी में आप अपने क्वेश्चन जो डाउट है उसे आपको हल करना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि एग्ज़ाम ड्रेस एंड कोड क्या क्या दिया गया है, स्लीपर सैंडल प्लेन टर्बन, वुमेंस के लिए क्या क्या है, कैंडिडेट्स वेयरिंग क्या क्या पहन के जा सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या अलाउड नहीं है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे ब्लूटूथ माइक्रोफोन हेडफोन नहीं अलाउड है। उसके बाद से रिस्ट ब्रेसलेट वुमेंस कैप वॉलेट कुछ भी हैंडबैग भी ये सब अवेलेबल नहीं है। तो आप ये सब ना लेके जाएं, घर पर ही छोड़ दें, या फिर आप अपने साथ किसी को लेके जाएं तो उसको दे दें। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।